तो देखिए सिंगदाने मसाले बहुत ही बढ़िया तरीके से बनके तैयार हो चुके हैं और ये बहुत ही कुरकुरे से हैं, बहुत क्रंची हैं। मैंने इसे 3 लेयर बना के तैयार किया है। काफ़ी लोगों का ये कहना होता है कि इसकी कोटिंग अच्छे से ऊपर आती नहीं है और जैसे ही आप तलते हो तो ये छूट जाती है तेल के अंदर, तो उससे कैसे बचना है वो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कुछ बहुत ही आसान टिप्स के साथ। मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम सिंगदाना। यहाँ पे हम सिंगदाना को 1 टेबलस्पून पानी डाल के गीला कर लेंगे और अगर सिंगदाने की जो साइज़ है अगर बड़ी हो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो सिंगदाने की जो साइज़ है थोड़ी सी छोटी है, लेकिन फिर भी काम चल सकता है अच्छे से। तो यहाँ पे सिंगदाने को पानी से अच्छे से मिला लेना है और इसे हमने मिला लिया है और अब साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे मसाला हम बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे छोटी सी कटोरी ले ली है, इसके अंदर हम डालेंगे बेसन, 3 टेबलस्पून टाटा संपन्न का बेसन। अब बेसन के साथ हम डालने वाले हैं कॉर्नफ्लावर, तो यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अगर आप सिर्फ बेसन का इस्तेमाल करोगे तो 100% ये होता है कि ये जल्दी मुलायम हो जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे से हो जाते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम इसे बाइंड कर सकें, और कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लावर डालने से ये ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग पाउडर, सॉल्ट पाउडर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे नींबू का रस भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आप यहाँ पे इसकी मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हो। चाट मसाला पाउडर करीबन 1 टीस्पून। इसमें हम डालेंगे टाटा संपन्न की गुंटूर लाल मिर्च पाउडर, ये बहुत ही चटपटी सी होती है, बहुत तीखी होती है, तो ये डाल देते हैं 1 टीस्पून। 1/2 टीस्पून हम डालेंगे यहाँ पे पिंक सॉल्ट यानी कि काला नमक। काला नमक सबसे बेस्ट होता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पे सभी चीज़ों को हम फटाफट मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मसाला मैंने मिक्स कर लिया है, तो यहाँ पे आप टेस्ट करके देख सकते हो कि किस तरह से है, कुछ कमी लग रही हो तो आप ऊपर से अभी डाल सकते हो, नहीं तो बाद में आप डाल नहीं पाओगे। तो अभी मैंने यहाँ पे 3 चम्मच ये पाउडर डाल दिया है। यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी कि आपको ये जो पाउडर मसाला हमने तैयार किया है वो एक साथ नहीं भर देना है इसके अंदर, हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और अच्छे से हमें इसे मिलाना है। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून डाला है और हाथों की सहायता से ही हमें इसे मिलाना है। ये जो हिस्सा है मिक्सिंग करने का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ही सीखना होता है हमें कि किस तरह से ये मूंगफली के ऊपर कोटिंग बरकरार रहे और छूटे नहीं जब हम फ्राई करें। तो इसका जो मेन ट्रिक यही है कि पहले हमें थोड़ा सा डालना है पाउडर और अच्छे से मिक्स करना है हल्के हल्के हाथों से, और बस थोड़ा सा हमें पानी लेना है और इस तरह से हमें इसके ऊपर छिड़कना है। इससे ये होगा जो सिंगदाना है उसके ऊपर एक हल्की सी लेयर आ जाएगी, एक सिंगल लेयर आएगी। तो हमें यहाँ पे अच्छे से फिर से मिला लेना है हल्के हल्के हाथों से। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही पतली सी कोटिंग आ चुकी है, तो हमें यहाँ पे ये पतली कोटिंग नहीं चाहिए है, हमें इससे और मोटी कोटिंग चाहिए है। फिर से हम यहाँ पे पाउडर डालेंगे और हमें इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मिलाना है। फिर से हम थोड़ा सा पानी लेंगे और इस तरह से हम पानी के छींटे डालेंगे और बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हमें इसे मिलाना है फिर से। तो अब इसकी जो कोटिंग है थोड़ी सी डबल हो गई है। अब जो बचा हुआ पाउडर है वो हम डाल देंगे फिर से। फिर से हमें यहाँ पे बड़े ही हल्के हाथों से इसे मिलाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बड़े ही हल्के हाथों से मिला लिया है और फिर से एक और बार हम बहुत ही थोड़ा सा पानी लेंगे। और एक खास चीज़ ये है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप ये बनाने का ट्राई करते हो और बाकी का जो मसाला होता है वो नीचे रह जाता है, तो वो वेस्ट हो जाता है। जो ये तरीका मैंने आपको बताया है इससे जो मसाला जो नीचे बैठ जाता है वो भी चिपक जाता है अच्छे से मूंगफली में। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये जो सिंगदाना है वो एक दूसरे से चिपक नहीं रहा है। अगर आप सिर्फ बेसन का इस्तेमाल करोगे तो एकदम चिपचिपा सा हो जाएगा ये, जब आप फ्राई करोगे तो तब भी ये चिपके रहेंगे एक दूसरे से, तो आपको स्पेशली तोड़ना पड़ेगा जब ये फ्राई कर रहे होंगे, तो वो आपके लिए मेहनत का काम है। और इसके ऊपर देखिए बढ़िया तरीके से लेयर आ चुका है, करीबन 3 कोटिंग आ चुकी है इसके ऊपर।
तो यहाँ पे साइड में तेल गरम हो चुका है और आंच को मैंने यहाँ पे मध्यम ही रखा है। मैंने यहाँ पे इस तरह से झरिया लिया है। यहाँ पे जो सिंगदाने हैं वो इस तरह से मैं झरिया से उठा लूंगी और तेल में हम इस तरह से इसे फैला देंगे। जैसे ही हम सिंगदाने को डालेंगे तेल में, हमें यहाँ पे तुरंत इसे चलाना नहीं है, कुछ सेकेंड तक का इंतज़ार करना है हमें। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता है तलने में, तो ये 1 मिनट में ही तल के तैयार हो जाते हैं। तो गैस को मैं यहाँ पे स्लो कर दूंगी और इसे मैं प्लेट पर निकाल लूंगी। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि देखिए यहाँ पे बढ़िया सी कोटिंग आ चुकी है। इसे अब हम ठंडा होने रख देंगे और जो बाकी के जो सिंगदाने हैं वो भी तल लेंगे। जैसे ही मैं सिंगदाने को तेल में डाल रही हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो सिंगदाने हैं अलग अलग हैं, चिपके हुए नहीं हैं। तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो एकदम परफेक्ट है और 100% प्रूव्ड है। तो यहाँ पे सारे के सारे सिंगदाना मसाले तैयार हो चुके हैं और ये ठंडे भी हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे आवाज़ सुन रहे हो, इससे ही पता चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे से हैं। तो मैं यहाँ पे इसे टेस्ट करूँगी। बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे से बने हैं, इसमें तीखापन भी है, साथ ही साथ में खट्टापन भी है। कोई भी मसाला बहुत ज़्यादा नहीं है और ना बहुत कम सा है। आप इसे आराम से स्टोर करके रख सकते हो कांच की भरनी में। तो आप ज़रूर घर पे बनाइएगा और इसका लुत्फ़ उठाइएगा। जय हिंद, जय भारत।